हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल में। तो दोस्तों, आज हम आपको सिखाने वाले हैं इस वीडियो में कि हम आपको कॉलर नेक डिज़ाइन किस तरह बनाना सिखाएं। तो इसमें दोस्तों की बहुत सिंपल और बहुत आसान भी है। तो दोस्तों, हम अपने बुकरम की लंबाई चौड़ाई आपको बताते हैं। इसकी चौड़ाई है 8 इंच और हमने अपने नेक की लंबाई रखी है 7.5 इंच, यहाँ से 7.5 इंच। तो दोस्तों, यहाँ से हमारी जो चौड़ाई है, यहाँ तक हमने गले की नेक की रखी है, वो रखी है हमने 6 इंच और हमने इसको कुछ इस प्रकार ढाल दे रखा है। इस तरह और हम जो हमने यहाँ से चौड़ाई रखी है, यहाँ से यहाँ को वो दे रखी है हमने 5 इंच। चलिए, तो हम इसको अपने 1/4 इंच के मार्जिन से इस तरह इसको एक्स्ट्रा करके कट कर लेंगे इस प्रकार। तो हमने अपनी नेक की चौड़ाई यहाँ से रखी है 5 इंच और यहाँ से रखी है 6 इंच और इसकी लंबाई रखी है 7.5 इंच। तो दोस्तों, हम इसको हम अपने अपने कपड़े पे प्रेस के जरिए इसे चिपका लेते हैं। तो हमने इसको अपने प्रेस से चिपका लिया है और 1/2 इंची के मार्जिन से इसको कट करके इसको यहाँ फोल्ड करके इसको भी सेट कर लिया है और बीच का सेंटर में हमने लगा दिया है कट। इसी तरह हम अपनी कुर्ती में बीच के सेंटर में लगा लेंगे कट इस तरह। और कट लगाने के बाद ये हमारी कुर्ती की उल्टी साइड है और ये हमारी कुर्ती की सीधी साइड है। तो हम उल्टी साइड रखेंगे इस प्रकार और उल्टी साइड रखने के बाद में हम इसको इस तरह से अपने अपने नेक रखेंगे उल्टा करके और यहाँ अपने सेंटर में एक सिलाई लगा देंगे इसको रोकने के लिए, जो ये इधर उधर ना भागे। और यहाँ से हमें बुकरम की जड़ में एक सिलाई लेके आएंगे, यहाँ ला के उतार देंगे। तो चलिए, हम शुरू करते हैं। तो हमें सिलाई लग चुकी है, हम इसको एक पैर के मार्जिन से कर लेंगे कट। अब हम इसको इस तरह से पलट के और इस पे लगा लेंगे किनार की सिलाई, यानी कि लब की सिलाई। दोस्तों, यहाँ हमने सिलाई लगा लिया, अब हम सिलाई लगाएंगे अपने इस किनार पे। ये हमारा सामने का नेक बन चुका है। बैक पल्ले में अपने फ्रंट पल्ले को जोड़ना है, तो हम वो जोड़ के और फिर आपको कॉलर चढ़ा के दिखाते हैं। तो दोस्तों, हमने अपने गले को कर लिया है तैयार, इसको बिल्कुल तैयार कर लिया है। तैयार करने के बाद में अब हम बनाते हैं अपना कॉलर। तो कॉलर हमारा ये है, अब इसको हम अपना तैयार करते हैं। हमने कॉलर काट के चिपका लिया है, इसकी लंबाई है 11 इंच और इसकी चौड़ाई है 7 इंच। तो चलिए, हम अपना कॉलर तैयार करते हैं। इसको हम इस तरह से पलट लेंगे और लगा लेंगे एक पैर की सिलाई। अब इसका ये बढ़ती कपड़ा है, इसको कट कर लेंगे इस प्रकार।
अभी यहां से हम सिलाई लगा लेंगे यहां तक। अब हम इस कॉलर को अपने पलट लेंगे इस तरह, और पलटने के बाद एक लगा लेंगे नाखून। तो हमने एक पैर का मार्जिन काट लिया है, 20 सेंटर में लगा दिया है ऐसे कट। तो हमने अपने गले के इसी 20 सेंटर में भी कट लगा लिया है, और कट लगाने के बाद में थोड़ा गहरा और कर लेते हैं जो आपको देखे। और इस तरह से अब हम अपने कॉलर का सेंटर और इसका पीछे बैक का सेंटर दोनों इस तरह मिला के और अपना आधा कॉलर इधर को चढ़ा लेंगे और आधा कॉलर चढ़ा लेंगे उस साइड में। तो चलिए हम इसको स्टार्ट करते हैं। आप देखिए इस तरह हम इसको चढ़ाते चले जाएंगे, और यहाँ पर हमारा गला आ गया, पीछे तो मार्जिन था, यहाँ पर हमें गले के किनार पर सिलाई लगाना है। आधा कॉलर चढ़ाएंगे हम इधर से, तो दोस्तों हमारा ये नेक इधर से चढ़ चुका है, कच्चा हो चुका है। अब हम इधर से लगाएंगे अपने पक्की सिलाई ऊपर से। तो इस तरह हम इसको अंदर कर लेते हैं अपना सारा मार्जिन और धागे वगैरह इस तरह अंदर कर लेंगे, और हमें इस तरह से इसके ऊपर से सिलाई लगा देना है अपनी सीधी इस प्रकार से। तो दोस्तों इसी के साथ हमारा एक कॉलर हो चुका है कंप्लीट। तो दोस्तों अगर आपको इसको सीखने में जरा सी कोई परेशानी हो प्लीज़ तो हमें कमेंट्स करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके हमें सपोर्ट करें। आइकन पर क्लिक करना ना भूलें, जिससे हम कल को कोई भी वीडियो अपलोड करें सबसे पहले मिल सके आपको। थैंक यू।